हेलो फ्रेंड, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रेसिपी विद करुणा पर स्वागत है। आप सबने तो बेसन का बहुत तरह से सब्जी बनाई होगी और खाई होगी। आज हम बहुत ही स्वादिष्ट और झटपट आसानी से बन जाने वाले बेसन का सब्जी का रेसिपी शेयर करते हैं। तो चलिए बिना देर किए बेसन का सब्जी बनाते हैं। सब्जी बनाने के लिए हम 1 कप बेसन लिए हैं। अब हम इसको नॉर्मल पानी से घोल तैयार करते हैं। इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल तैयार करते हैं। इस तरह घोल तैयार कर लिए, हमको इस तरह का घोल चाहिए। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक डालते हैं और इसको भी इसमें इस तरह घोलते हैं। इस तरह हल्दी और नमक डालकर मिला लिए। अब हम इसका पपड़ा जैसा बनाते हैं। इसके लिए हम गैस ऑन करते हैं और तवा रखते हैं। तवा गर्म हो गया है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालते हैं और इसको चारों तरफ से इस तरह फैला देते हैं। तेल गर्म हो गया है, इसके ऊपर बेसन का घोल डालते हैं और इसको इस तरह चारों तरफ से फैला देते हैं। इस तरह फैला दिए। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा बारीक प्याज डालते हैं और थोड़ी सी मिर्ची डालते हैं और इसको इधर से और इधर से इसको फोल्ड करते हैं। इस तरह इसको फोल्ड कर लिए। अब इसको उलट पुलट कर हल्का गोल्डन होने तक इसको सेकते हैं। अब ये दोनों साइड से हल्का गोल्डन हो गया है, इसको बीच से इस तरह कट कर देते हैं और इसको हम अब निकाल लेते हैं। इसी तरह हम दूसरा बनाते हैं। इसको फैला लिए। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्याज डालते हैं और थोड़ी सी हरी मिर्च डालते हैं और इसको भी हम इधर से और इधर से फोल्ड करते हैं। दोनों साइड से फोल्ड कर लिए और इसको भी हम उलट पुलट कर हल्का गोल्डन होने तक सेकते हैं। अब ये दोनों साइड से हल्का गोल्डन हो गया है, अब हम इसको भी कट करते हैं और इसको भी हम निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सारा बना लेते हैं। इस तरह सबको बना लिए। अब इसके लिए हम मसाला तैयार करते हैं। मसाला में हम 10-15 लहसुन लिए हैं, 1/2 इंच अदरक का लिए हैं, 2 हरी मिर्च लिए हैं, 2 चम्मच राई लिए हैं, 1/2 चम्मच जीरा लिए हैं। अब इसको हम मिक्सी के जार में डालकर इसका पेस्ट बनाते हैं। इस तरह मसाला पीस लिए। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालते हैं और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते हैं और सबको इसमें इस तरह मिला देते हैं। अब हम ग्रेवी बनाते हैं। कढ़ाही गर्म हो गया है, इसमें हम 1 चम्मच सरसों तेल डालते हैं और तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, इसमें 1 चम्मच पंचफोरन डालते हैं, 1 सूखी लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता डालते हैं और सबको इसमें इस तरह मिलाते हैं। तड़का रेडी हो गया है। अब हम इसमें 1 छोटा साइज का प्याज लिए हैं जिसको हम बारीक बारीक कट कर लिए हैं और इसको भी इसमें डालकर और हल्का गोल्डन होने तक इसको भूनते हैं। प्याज हल्का गोल्डन हो गया है, अब हम इसमें पिसा हुआ मसाला डालते हैं और इसको भी मिलाते हुए तेल सेपरेट होने तक इसको भूनते हैं। अब मसाला से तेल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें 1 टमाटर लिए हैं जिसको हम पेस्ट बना लिए हैं, इसको भी इसमें डालते हैं और इसको भी मिलाते हुए भूनते हैं।
टमाटर को भी मसाला के साथ में अच्छी तरह से भूंज लिए। अब हम इसमें पानी डालते हैं और इसको इसमें इस तरह मिलाते हैं। पानी डालकर मिला लिए। अब हम इसमें और आधा चम्मच नमक डालते हैं और इसको भी इसमें इस तरह मिलाते हैं। अब ग्रेवी में बॉयल आने देते हैं। ग्रेवी में बॉयल आ गया है। अब हम इसमें ये जो बनाकर बेसन का रखे हैं इसको डालते हैं और इसको भी इसमें इस तरह मिलाते हैं और इसको अब ढककर हम 10 मिनट तक इसी तरह कुक करते हैं। 10 मिनट हो गया है, इसको देख लेते हैं। अब मेरा सब्जी रेडी हो गया है। अब हम लास्ट में धनिया पत्ता डालते हैं और गैस ऑफ करते हैं और इसको 2 मिनट के लिए इसी तरह ढक देते हैं। हो गया है, देखिए इसका टेक्सचर कितना खूबसूरत है। अब हम सर्व करते हैं। मेरा बेसन का सब्जी रेडी हो गया है। इसका टेक्सचर देखिए कितना खूबसूरत है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इसको आप चावल के साथ या रोटी के साथ ट्राई करिएगा, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये रेसिपी आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।